महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। शेयर यूरिया की बढ़ती कीमतों में आवाम चकरा कर रह गए। इंतजामिया ने आवाम को मुनाफाखोरों के रहम करम पर छोड़ दिया। दुकानदारों की मनमानियां, आवाम मार्केट से अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया मिलना खा बन गया। सब्जियों और फलों की खरीदारी जेब पर भारी पड़ने लगी। सब्ज मसाला जात की खरीदारी भी इम्तिहान। मुर्गी का गोश्त 575 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई ने चीनी की मिठास छीन ली। शहर में चीनी 150 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी परेशान, कहते हैं महंगाई के चक्के में पिसे रहे, अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी की जाए। चीनी क्या, सभी चीज़ें यार इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर इंसान जो है परेशान है। बिजली को देख ले कहाँ चलेगी, गैस आती नहीं है, समझ में नहीं आता कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा। और ये सब चीज़ें इन लोगों को सोचनी चाहिए, अपनी लड़ाइयों को ख़त्म करें और ये लोग मुल्क के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें। हर चीज़ महंगी है, लिहाजा हुकूमत को यही इल्तिजा कर सकते हैं कि रेट थोड़े कर दें खाण पीन की अशिया के। होर भावें तुम लग्जरी चीज़ा ने महंगे कर दौ, जी खाण पीन जरूरी अशिया ने, रोज़ दियाँ खाण पीन वाली चीज़ा ने, उनका रेट थोड़ा जहा घट कर दौ। IMF से कर्ज लेना महंगा पड़ गया। ज़राअत और तामीरात के सेक्टर पर टैक्स आयद करने का इंदिया। निगरान और आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ गई। कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होने का खदशा है। चीफ सेक्रेटरी का जाली ज़राअत अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। महकमा ज़राअत को चेकिंग के लिए खसूसी स्क्वाड्स तश्कील देने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कपास की फी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा हुआ है। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी की नाअहली, कौमी खजाने को 2 अरब 91 करोड़ रुपए का नुकसान। अफसरान की नाअहली के बायस मंसूबे वक्त पर मुकम्मल न हो सके, लागत का इजाफी बोझ भी आवाम पर पड़ेगा। पंजाब हुकूमत पेंशनर्स के फंड्स भी इस्तेमाल कर सकेगी। सूबाई काबीना ने कानून में तरमीम की इजाजत दे दी। पंजाब हुकूमत पेंशनर्स के 1 खरब रुपए तक के फंड्स इस्तेमाल कर सकेगा। हेल्पलाइन पहल 911 बंद करने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत पहले ही रिकार्ड 15 और 1122 सर्विसेज फराहम कर रखी है। महकमा दाखिला पंजाब ने महकमा खजाना की समरी पर मंसूबे को बंद करने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान के बैरून मुल्क मशीन मिशन में अवामी टैक्स की रकम जाया। सफारत खानों ने टैक्स की रकम टिप्स देने में उड़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी पर इल्जाम साबित हुए मगर मुकम्मल रिकवरी ना की जा सकी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब नबील जावेद की जेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब सब रजिस्ट्रार दफातर के तामीर के लिए 68 करोड़ से ज्यादा फंड्स मुख्तस किए गए। नबील जावेद ने कहा कि डिविजनल और जिले हेडक्वार्टर्स में मॉडल ई रजिस्ट्रेशन दफातर कायम किए जाएं। मानसून बारिशों की नई इनिंग्स, बादल आज भी रंग जमाने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। करतबा चौक, शादमार, जे रोड, सन्नाबाद, वादत रोड और इकबाल टावर में बादल जम कर बरसे। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। भारत आबी जारी हेत से बाज ना आया। मजीद 1,80,000 क्यूसिक पानी पाकिस्तानी दरियाओं में छोड़ दिया। चौधरी मोहम्मद असलम कहते हैं दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। लाहौर के लिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है। इसमें 18 से लेकर 22 जुलाई के दौरान लाहौर में काफ़ी मूसलाधार बारिश हो सकती है। इससे लो लाइंग एरियाज में पानी इकट्ठा हो सकता है और इसमें विंड की स्पीड भी ज़्यादा तेज़ होगी, कोई 100 किलोमीटर तक विंड चल सकती है।
साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हो सकी। परवेज इलाही को कैंप जेल से अडियाला जेल रावतपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। पीटीआई के सदर की मुंतकली सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर की गई है। चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड न देने का केस पंजाब हुकूमत की अपील पर समाप्त हुई। हाईकोर्ट ने समाप्त बगैर कार्रवाई के 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को दोबारा नोटिस जारी कर रखे थे। लोकल बॉडीज एक्ट के 20 से ज्यादा वाकयात कालादम करार देने की दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने तमाम फरीकैन से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। अदालत ने नया बेंच बनाने की सिफारिश के साथ दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सहाबा कराम और अहले बैत रिज़वानुल्लाह हमारे ईमान का हिस्सा हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं अपने साथियों को महरबुल हराम के हवाले से महाफिल मुनक्कद करवाने के लिए कहा है। रवादारी को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ये जुआई का इलेक्शन में किसी जमात से इतिहाद ना करने का फैसला तर्जुमान असलम गौरी कहते हैं पीटीएम एक तहरीक का नाम था जो पीटीआई हुकूमत के खात्मे के लिए बनाई गई थी। पीटीएम जमातें सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं। गवर्नर पंजाब से जकार अशरफ की मुलाकात क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उम्मीद है कि आप क्रिकेट के फरोग के लिए बेहतरीन सलाहियतें बरबरकत लाएंगे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट्स का इनेकाद खुश आए हैं। इस तरह का में पाकिस्तान पार्टी का मंशूर तैयार। इस्लामी मुआशरे का कयाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और नामूसे रसालत शामिल। ज़राई इस्लाहात 12.5 एकड़ ज़मीन तक बिजली की मुफ्त फराहमी। मजदूरों की कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 रुपये। लाजमी इंश्योरेंस शहरियों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। लेस्को चीफ की कचहरी शहरों ने खरी खरी सुना दी। कहते हैं कि अब ऑर्डर देते हो लेकिन अमल दरामद नहीं होता, हमारी मुश्किलात का अजाला किया जाए। थाना कल्चर का लफ्ज इस्तेमाल करके पंजाब पुलिस को ताने दिए जाते हैं। थाना कल्चर किसी हद मुआशरे का भी एकास है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस वालों से भी ज्यादती हो जाती है। पुलिस की तरफ से हाई हैंडेडनेस और ज्यादतियां जरूर हो जाती होंगी क्योंकि हम भी इंसान हैं और हम में भी खामियां हैं और हम अकाउंटेबल भी हैं। तो थाना कल्चर को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत अच्छी काविश की गई थी जिसका नाम है खिदमत मराकज। पीटीओ मुसनसिफ फिरोज का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। साइन टेस्ट, रोड टेस्ट और सर्वेलियंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया गया। बेहतरीन सर्विसेज पर बेसुरख शहरियों का सीटीओ से इजहार तशक्कुर। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रवा साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 155,585 पेयरिंग रोड्स को क्लियर करवाया गया है। 49,355 मुकदमात के चालान पेश किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मियारी अशिया खुरनोश तैयार करने वालों के खिलाफ एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर शेखुपुरा रोड पर मारूफ वेजिटेबल ऑयल मिल्स पर छापा मारा गया। मिल इसलाह तक बंद, 5,600 किलो मार्जिन जब्त कर लिया गया। LWMC की नाअहली जहोटान में B3 का इलाका नशियों की आवाज का बन गया। जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन और बीमारियां फैलने के बायस बनने लगा। इंतजामिया खामोश तलाश आई, इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर का यूनियन और जिका यूनियन के मुश्तरका कॉल पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का एहतजाज। आउटसोर्सिंग के खिलाफ मुलाजमीन ने काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। मुकर्रीन का कहना था कि खरबों रुपए की जमीन किसी सूरत बंदर पांच की कबूल नहीं की जाएगी। बासलाहियत नौजवानों के लिए टैपटा का बेहतरीन इकदाम। तलबा की सलाहियतों को बरबरकार लाने के लिए जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। जॉब फेयर का मकसद नौजवानों को सलाहियत की बुनियाद पर रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम करना है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के लाहौर से
खसूसी गुफ्तगु। सीबीडी की जानिब से वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मनसूबे के माहौलियाती पहलुओं बारे अवामी सबात, टेक्निकल टीम ने प्रोजेक्ट के अहम नुकात पर रोशनी डाली। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का मकसद सीवरेज और नकासी आब के निज़ाम के मसाइल को हल करना है। अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर तमाम शेख सैयद हॉस्पिटल में मशावरती इजलास, मुलाज़मीन की भरपूर शिरकत। मुकर्ररीन का कहना था कि 5 तारीख तक तनख्वाह ना मिली तो एहतजाज करेंगे। पहला मकसद मरीज को सेहतयाब करना और ख्याल रखना है। लाहौर रिटेलर एसोसिएशन का इजलास सदर मियां मुबशर सईद ने सदारत की। शहर भर के प्रॉपर्टी डीलर्स की शिरकत। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ एहतजाज किया गया। PHA हेडक्वार्टर्स में महकमे के रेवन्यू को बेहतर बनाने के हवाले से इजलास, सदारत DGPHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने की। कहा कि DGPHA के अफसरान को महकमे के बिजनेस प्लान में बेहतरी लाने की हिदायत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची के ज़ेर तरबियत अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ में मिड करियर मैनेजमेंट के 42 ऑफिसर्स शामिल थे। मैनेजिंग डायरेक्टर कामरान खान ने वफ को ब्रीफ किया। मोटरवे पुलिस M3 ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। हज़ारों रुपए मालिक का कीमती मोबाइल शहरी को वापस कर दिया गया। सेक्टर कमांडर ने अफसरान की ईमानदारी को सराहा।